नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। आप देखते रहे टीवी 20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। बुढ़नपुर के विकासखंड कोयलेसा में आज दोपहर नवनिर्वाचित प्रधान क्षेत्र पंचायत सदस्य जिला पंचायत सदस्यों का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष ऋषिकांत राय ने ग्राम प्रधानों क्षेत्र पंचायतों सदस्यों का सम्मान करते हुए कहा कि भारत की आत्मा गाँव में बसती है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही योजना सबका साथ सबका विकास से जोड़ते हुए ग्राम सभा का समग्र विकास करना है। प्रदेश व केंद्र सरकार की मंशा है कि नगर पंचायत जैसी सुविधा गाँव में मुहैया करानी होगी। विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रमुख प्रतिनिधि संतोष यादव ने कहा कि सम्मानित ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य के हितों को ध्यान में रखते हैं विकासखंड कोलेसा को विकास की कड़ी को जोड़ते हुए इसका क्रम समग्र विकास किया जाएगा। साथ ही गरीब जनता को सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा। करके जो है सम्मान समारोह में आए हुए प्रधान लोगों का क्या बताया आगे हमारी कल्याण प्रधान आए आपके बुलाने पर क्या क्या कहना चाहते हैं? उनका अभिनंदन समारोह था। प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य नव निर्वाचित हुए हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक आह्वान पर लोग आए। मैं उन लोगों का हृदय से आपके चैनल के माध्यम से भी हम सब सम्मान किए, माला पहनाए, स्वागत किए उनका। आपके भी चैनल से इस कोयलसा के सभी अपने नव निर्वाचित क्षेत्र पंचायत सदस्य और प्रधानगण का हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सभी दाता के साथ कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूज्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो जन कल्याणकारी योजनाएं, जो गरीब के लिए समर्पित योजनाएं हैं, चाहे वो गरीब कल्याण अन्न योजना हो, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री चाहे वो शौचालय हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, माननीय मुख्यमंत्री आवास योजना हो, जो योजनाएँ हैं सरकार वो पात्रता की श्रेणी को ध्यान में देते हुए पात्र व्यक्ति तक ईमानदारी से पहुँचे। मैं आपकी अपने उद्बोधन में अपने सम्मानित प्रधानों और क्षेत्र पंचायत सदस्यों से भी अनुरोध किया हूँ, आग्रह किया हूँ, उन योजनाओं को गाँव की जनता आपको बहुमत देके ये सम्मानित सम्मान की है, जनप्रतिनिधि बनाई है, उनके दुख सुख में आप सबका। एक क्वेश्चन हमारा और है, 6 महीने विधानसभा चुनाव के बाद इसके बारे में क्या रणनीति बन रही है पार्टी की तरफ से? कोई हम सुशासन और विकास के नाम पर जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता के दुख सुख में रोज खड़े हैं, तो हमें इस चुनाव में जनता हमारे साथ खड़ी है, हमें इस चुनाव में कुछ नहीं करना है। नरेंद्र मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी। विकास की गति जो तेजी से पटरी पर आके दौड़ रही है उसको और भी आगे गति मिलेगी, ये जनता समझ चुकी है। आप सबके ध्यान के लिए तो उत्तर प्रदेश में जब सपा बसपा का गठबंधन हुआ था तो बड़े बड़े राजनीतिक धुरंधर यही कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया हो जाएगा, लेकिन जनता चीज़ों को समझ चुकी है। जनता आज विकास चाहिए, उसको सही नेता चाहिए, ईमानदार नेता चाहिए, और इसको धता बताते हुए उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव में 38 सीटें दी है और 2017 में भी सारी जातीय मर्यादाओं को तोड़ते हुए पूरा समाज, पिछड़ा समाज, दलित समाज, अगड़ा पिछड़ा का भेदभाव भूल के सारे लोग खड़ा होकर के 2017 के चुनाव में 325 सीट मिली है, उससे भी बड़ी बड़ी बहुमत